वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे एडिशन विद कैरी बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पे पहला आपको एडिशन के बारे में बोलूँगी, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सिर्फ थोड़ा डिस्क्रिप्शन ब्रीफ होने बोलूँगी, डिटेल नहीं बोलूँगी। तो एडिशन कैसे सिखाया जाता है डिफरेंट वे से, उसमें एक नंबर बॉन्डिंग है, एक विदाउट रीग्रुपिंग, तीसरा रीग्रुपिंग। तो ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए, जैसा फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के लिए, और छोटे बच्चों को आप एडिशन सिखाना चाहते हो तो कैसे सिखाना चाहिए वो मैं एक वीडियो में बताई थी, स्मार्ट वे टू टीच किड्स, वो प्लेलिस्ट में रहेगा, आप देख लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रही हूँ। तो एडिशन ऐसा सिखाया जाता है, इन तीन तरीके से सिखाया जाता है। नंबर बॉन्डिंग विदाउट रीग्रुपिंग मतलब काउंटिंग फॉरवर्ड करना है, रीग्रुपिंग मतलब वैल्यूज़ को रीग्रुप कर देना है, जैसा कि डिवाइड करना है, डिवाइड करके फिर उसको ऐड करना है, तो ऐसा रीग्रुपिंग होगा। ये है एडिशन का कॉन्सेप्ट। तो हम अब देख रहे हैं एडिशन विद कैरी। सो इसके लिए अगर ऑलरेडी थोड़ा प्रिपरेशन करके रहेंगे तो बहुत आसानी रहेगा एडिशन विद कैरी। सो एडिशन विद कैरी करने के लिए किन चीज़ का प्रिपरेशन, किन किन चीज़ों का प्रिपरेशन होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी। पहला, बच्चों को टेंस एंड वंस आना चाहिए। तो जब भी आप नंबर 11 सिखाते हो तभी आप बेटर है, आप टेंस एंड वंस कॉन्सेप्ट तभी आप उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, तो वो यहाँ हमें फ़ायदा होगा। अगर बच्चों को टेंस एंड वंस समझ में आता है तो आधे इश्यूज़ हमें, आधे प्रॉब्लम्स हमें एडिशन के रिलेटेड पूरे हम सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, सो ये है पहला थिंग, टेंस एंड वंस ये मस्ट आना चाहिए बच्चों को, तभी आप एडिशन विद कैरी सिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका काम आसान होना चाहते हो, एडिशन विद कैरी बच्चा बहुत अच्छे से करना चाहते हो, तो आप और एक भी कर सकते हो, वो है मेंटल मैथ। सो ये मेंटल मैथ का परसेप्शन मैंने देखा था बहुत सारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ में, अलग अलग परसेप्शन बता रहे, तो मेरा परसेप्शन भी मैं आपको बताऊँगी। तो वहाँ पे बता रहे कि वो वर्ड प्रॉब्लम्स को मेंटल मैथ्स बोल रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटल मैथ्स। ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम्स मेंटल मैथ्स के ज़रिए से कर सकते हैं, थोड़े सभी नहीं कर सकते हम। अगर लेवल 1 के आप वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हो तो आप उसको मेंटली कर सकते हो, लेकिन अगर आपका लेवल इंक्रीज होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, जैसे कि लेवल 2 वर्ड प्रॉब्लम्स, लेवल 3 वर्ड प्रॉब्लम्स, आप मेंटली नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे आपको जितने भी नंबर्स का मेंटली आप कर सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको मॉडल ड्रॉ करना होगा तभी आपके लेवल 2 लेवल 3 वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। ओके, तो मैं इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को मेंटल मैथ्स नहीं बोलूँगी, मेरा डेफिनेशन है मेंटल मैथ्स का, जितना भी नंबर है वो मेंटली कैलकुलेट कर सके, डेटा को नहीं सिर्फ नंबर्स को कैलकुलेट कर सके, उसको मैं बोलती हूँ मेंटल मैथ्स। तो मैंने मेरी एडिशन विद कैरी आसान करने के लिए मैंने मेंटल मैथ सिखाया था मेरी बेटी को। मैंने क्या सिखाया मेंटल मैथ में, मैंने एक शीट प्रिपेयर किया था, तो उसमें मैं 100 प्रॉब्लम्स लिखी थी, उसमें सिर्फ 1 to 10 नंबर्स का कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का एडिशन करना होगा, जैसा कि 1+1 से लेकर पूरे कॉम्बिनेशन 9 कॉम्बिनेशंस 1+9 तक, तो ऐसे सभी नंबर्स 1 to 9 के सभी नंबर्स का कॉम्बिनेशन रैंडमली मैंने लिखा था और उसको प्रैक्टिस करवाया था। तो 1+1 कितना है, 1+3 कितना है, जैसा जैसा रेगुलर बेसिस पे वो एडिशन भी करती है, तो उसके साथ में थोड़ा मैं मेंटल मैथ्स का प्रिपरेशन भी किया था। तो ये इसलिए क्या था कि मुझे अभ्याकस में उसे और थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो इसके लिए ये प्रिपरेशन मुझे ज़रूरी था, तो मैंने उसका किया था। वो करने से मुझे एडिशन विद कैरी भी बहुत आसान हो गया था। ठीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट करती थी, वो जल्दी जल्दी करती तो वो बहुत अच्छा लगता था उसको, वो और प्रॉब्लम्स करती रहती थी, तो ऐसा मैं इसको बोलती हूँ मेंटल मैथ्स। सिर्फ नंबर्स के ही हम मेंटली ऐड करते रहेंगे, कोई डाटा को प्रोसेस नहीं करेंगे। तो अगर ये भी, अगर ऐसे आप वो मेंटल मैथ्स पे अच्छा प्रैक्टिस करवाते हो तो फिर उनको एडिशन विद कैरी बहुत आसान लगता है।
सो तीसरा स्टेप ये है कि जो भी वो नंबर्स लिखते हैं आजकल सभी वर्कशीट्स पे करें तो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर नोटबुक में वो अपना प्रॉब्लम्स को नोट करते हो तो इस चीज़ पे ज़रूर हम ध्यान देना चाहिए, वो प्रॉब्लम को प्रॉपरली नोट करिए। जहाँ पे टेंस लिखना है वहीं पे टेंस लिखना है, वंस के प्लेस में वंस लिखना है, और सम कैरी के लिए थोड़ा जगह ऊपर और नीचे दोनों जगह ही छोड़िए। कई बार ऐसा होता है कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद भी बच्चे गलत करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर प्लेस में वैल्यूज नहीं रखते हैं। आजकल तो सभी वर्कशीट्स यूज़ करें, अगर वर्कशीट्स नहीं यूज़ करते हो तो इस बात की ज़रूर हम ध्यान देना चाहिए। जहाँ टेंस है वहीं पे हम टेंस वैल्यू रखें, जहाँ वंस है वहीं पे हम वंस रखें। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमें और दो चीज़ों की जानकारी देना चाहिए, वो है सम और कैरी। तो हमें बता देना चाहिए उनको सम कौन सा है, कैरी कौन सा है। अगर आप जब भी बताते हो सम एंड कैरी, उससे किसी सिंबल से इंट्रोड्यूस करते हो तो बहुत आसान रहेगा बच्चों को याद रखने में। मैंने हर बार जब भी बोलती हूँ, जब कैरी के नीचे दो लाइन अंडरलाइन करूँगी और सम को ऐसे ही छोड़ दूँगी। जिस चीज़ को मैंने छोड़ा है मैं उसको बोलूँगी सम, सम नीचे लिखना है, जिस पे हम अंडरलाइन किया था वो यहाँ पे कैरी ऊपर या नीचे लिखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, हम उनको बताना है सम कौन सा है, कैरी है, किन किन को कहाँ कहाँ लिखना है। ये है तीन सिंपल स्टेप्स, इससे आसानी से बच्चे एडिशन विद कैरी कर लेते हैं। तो यहाँ और एक बात भी आएगा, वो है थ्री डिजिट एडिशन। अगर मेंटल मैथ्स आता है तो थ्री डिजिट एडिशन भी आसान हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो बिफोर एडिशन विद कैरी थ्री डिजिट भी आप उनको समझाइए। जब एडिशन समझ में आता है थ्री डिजिट एडिशन भी बहुत इजी से समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे और एक पॉइंट पे भी आप ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो नोट है फैक्ट फैमिलीज के बारे में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक नोट देना चाहती हूँ, नोट ये है कि फैक्ट्स के बारे में, तो एडिशन के थोड़े फैक्ट्स हैं। तो ये मैं फैक्ट्स को दो वे में डिवाइड करूँगी, एक डिपेंडेंसी ड्रिवन फैक्ट्स है, एक कंक्लूजन ड्रिवन फैक्ट्स है। जो डिपेंडेंसी ड्रिवन फैक्ट्स रहेंगे वो पहला आपको बच्चों को सिखाना होगा, तभी आप उसके रिलेटेड प्रॉब्लम करवा सकते हो। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, अगर टेबल्स आते हैं तभी तो हम मल्टीप्लिकेशन बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसमें कंपलसरी है कि डिपेंडेंसी ड्रिवन फैक्ट्स सीखने के बाद ही बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन ऐसे फैक्ट्स को हम ज़रूर बच्चों के साथ मेमोराइजेशन कराना बहुत ज़रूरी है। बट कंक्लूजन ड्रिवन फैक्ट्स ऐसे नहीं होते, मतलब कंक्लूजन बेस पे थोड़े फैक्ट्स रहेंगे तो उसको बच्चों को मेमोराइज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर आप दबाव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप वो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, वो खुद वो कंक्लूजन ड्रिवन पे काम करेंगे। मतलब कंक्लूजन ड्रिवन फैक्ट्स अगर एडिशन पे आते हो तो इसको बोलते हैं फैक्ट फैमिलीज और कंक्लूजन ड्रिवन फैक्ट्स। सो यहाँ पे 4+5 या 5+4 इसका आंसर सेम ही है। 9 में से अगर 5 निकालो या 9 में से 4 निकालो, द अपोजिट आंसर्स आते हैं। जैसे 9-5 इज 4, 9-4 इज 5, इसको बोलते हैं फैक्ट फैमिलीज। ऐसे फैक्ट्स को बोलते हैं कंक्लूजन ड्रिवन फैक्ट्स। मींस अगर ये फैक्ट्स इतने डिपेंडेंसी नहीं है कि आप ये फैक्ट्स सिखाने के बाद ही आप एडिशन सिखाइए, ऐसे नहीं है। सो ये वो अपने आप से ऑटोमेटिकली लर्न करेंगे अगर वो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। मैं ये बात पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अब जो भी सिखाते हो उसमें मेमोराइजेशन कम रहने का देखिए, अगर मेमोराइजेशन ज़्यादा होता है तो बच्चों को थोड़ा हैवी लगता है सब्जेक्ट। तो इसलिए आप मेमोराइजेशन के रिलेटेड जो भी थिंग है उससे थोड़ा कम करने के लिए देखिए। तो इसीलिए मैं यहाँ कंक्लूजन ड्रिवन फैक्ट्स को इतना स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं कि पहला आप ये सिखाए इसके बाद ही आप एडिशन विद कैरी सिखाए, ऐसे नहीं है। तो पहला आप एडिशन विद कैरी सिखाइए, उनको करने दिए, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने दीजिए, तो कंक्लूजन में आप इसको बता सकते हो। या ऐसा भी हो सकता है बच्चे खुद समझ जाएंगे 5+4 करे या 5+4 करे, इसका आंसर सेम ही है।
तो ये है, मैं छोटा सा नोट देना चाहती हूँ, तो दे दिया। ये है एंड ऑफ द वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। Don't forget, easy said just number. Happy learning.